हेलो एंड वेलकम टू एटीट्यूड एकेडमी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास 2 में हम सीखेंगे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, डॉक्यूमेंट को ओपन करना, साथ के साथ सेविंग एंड शेयरिंग ऑप्शंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि किस तरह से हम न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिनको आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको एक ब्लैंक वर्कबुक इंसर्ट करानी है तो आप यहाँ ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करके भी ब्लैंक वर्कबुक ले सकते हैं। कंट्रोल एन या फिर आप फाइल मेन्यू से जाके इसको इंसर्ट करा सकते हैं बहुत ही इजीली। इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इवन अगर आपको कोई टेम्पलेट यूज करना है तो फाइल मेन्यू में ही आपको न्यू ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। या आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, आप यहाँ पे सजेस्ट सर्च का यूज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे टेम्पलेट चाहिए हैं बजट से रिलेटेड, मुझे बजट से रिलेटेड टेम्पलेट चाहिए, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिनका आप इस्तेमाल ले सकते हैं, जिसका आप अपने यूज में ले सकते हैं। जैसे मुझे पर्सनल मंथली बजट यहाँ पे बनाना है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको बना बनाया टेम्पलेट मिल रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही ये डाउनलोड होगा तो उसके बाद ये आपका ओपन हो जाएगा, बट आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है तभी ये आपका डाउनलोड हो पाएगा और आप इसको यूज कर पाओगे। तो इस टेम्पलेट के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और कुछ एडिशनल यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं और टेम्पलेट का किस तरह से यूज करना है वो आप कर सकते हैं। कौन कौन से इसमें फंक्शन यूज किए गए हैं और क्या क्या किस तरीके से हम इस टेम्पलेट का इस्तेमाल अपने काम में ले सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको इंस्ट्रक्शन फर्स्ट शीट पे मिल जाएंगे। देन यहाँ पे आप शीट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं और इसके अंदर जो भी एडिटिंग करना है आप कर सकते हैं। ना अगर आपको कोई प्रीवियस फाइल आपने सेव की हुई है और उसको ओपन करना है तो फाइल मेन्यू में जाके भी आप ओपन कर सकते हैं, या एक सिंपल तरीका आप कंट्रोल ओ प्रेस कीजिए कीबोर्ड से। कंट्रोल ओ प्रेस करके सीधे आप ओपन स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास वर्कबुक्स मिल जाएंगे, जिस भी वर्कबुक को यहाँ पर आपको ओपन करना है आप उस वर्कबुक पे क्लिक कीजिए और उस वर्कबुक को ओपन करा लीजिए। अदरवाइज यहाँ पे आप फोल्डर्स पे भी जाके देख सकते हैं, जिस फोल्डर में आपने फाइल सेव किया होगा वहां से आप उसको ओपन करा सकते हैं। या आपके पास वन ड्राइव अकाउंट है और वहां आप फाइल सेव करते हो, आप वन ड्राइव अकाउंट से ओपन कर सकते हैं। इवन आपको कुछ अदर लोकेशन ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि दिस पीसी, ऐड अ प्लेस आप यहाँ ऐड करा के जहाँ पे सेव किया हो, या ब्राउज ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे जहां पे भी कंप्यूटर में आपने कहीं भी सेव किया होगा, चाहे वो ड्राइव हो या कोई भी अदर लोकेशन हो, वहां से आप सिंपली उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने डेस्कटॉप पे कोई फाइल सेव किया हुआ है, मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा और वहां से आपको फोल्डर पे क्लिक करना है और ओपन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी जो फाइल है जो आपने सेव की है वो आपकी ओपन हो जाएगी, अब आप उस पर काम कर सकते हैं। इस तरीके से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं या फिर आप फाइल मेन्यू से ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस स्क्रीन पे आप यहाँ से भी आ सकते हैं। इवन यहाँ पे ओपन ऑप्शन में यहाँ पे आपको रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप उन फाइल को ओपन कर सकते हो जो रिसेंटली आप इस पे काम कर रहे थे और आप उसको सेव करना भूल गए थे सिस्टम क्रैश होने की वजह से या बंद होने की वजह से, तो वो ऑटो सेव हो जाती है और यहाँ आप उसको अनसेव फाइल्स को ओपन कर सकते हो। सिंपली उस पर क्लिक कीजिए और ओपन बटन पे क्लिक कीजिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी फाइल ऑटो सेव हो जाए तो इसके लिए आपको फाइल मेन्यू से ही जाना होगा ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में जाने के बाद सेव ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से सेव टू कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट आप यहाँ इसको चेक कर दें तो आपकी फाइल ऑटो सेव हो जाएगी, जिसके बाद आप फाइल मेन्यू से ओपन ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आप उस फाइल को रिकवर कर सकते हो, उस फाइल को आप यहाँ से ले सकते हो। आप फाइल को सेव करने की बात करें तो अगर आपको फाइल को सेव करना है तो आप कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं या फिर आप फाइल मेन्यू से जाकर यहां से भी सेव इस फाइल को कर सकते हैं। इसे मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा, यहां आपके पास ऑप्शंस हैं फाइल को सेव करने के लिए, जैसे पर्सनल यानी आपको अकाउंट में यानी ऑनलाइन क्लाउड में सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास वन ड्राइव अकाउंट है, आप यहाँ सेव कर सकते हैं, या फिर आप लोकल आप यहीं पर ही सिस्टम के अंदर सेव करना चाहते हो तो ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपके पास जहां भी आपको सेव करना होगा वहां पे आप सिंपली क्लिक कीजिए, जिसमें डी ड्राइव में सेव करना है और यहाँ पे फाइल का नेम यहाँ जो रखना है माई फाइल वो यहाँ पे आप रख लीजिए और सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी उस लोकेशन पे सेव हो जाएगी और फाइल का नेम यहाँ आपको दिखाई देगा। जैसे आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे रिसेंट फाइल में क्या भी लास्टली आपने इसको सेव किया है और यहाँ पे आपको लोकेशन भी दिखा रहा है यानी डी ड्राइव, इस पे आप क्लिक करके इस फाइल को ओपन कर सकते हैं सीधे यहीं से।
जैसे आप कोई भी फाइल यहाँ ओपन करोगे और सेव करोगे तो यहाँ रिसेंट्स में आप जो भी उस पर काम करोगे यहाँ आपको दिखाई देगी, आप यहाँ से उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। इवन जो फाइल आप यहाँ प्रिंट कर दोगे तो वो ऑलवेज यहाँ आपको प्रिंट ऑप्शन में दिखाई देगी, जिससे आप सीधे उसको डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। आपको किसी भी फोल्डर में जाकर उसको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप यहाँ से उस पर प्रिंट कर सकते हैं। ये आपकी फाइल प्रिंट हो जाएगी, यहाँ से आपको जब भी इसको ओपन करना पड़े आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, आपको रिसेंट ऑप्शन में जाके सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप फाइल सेव कर सकते हैं। इवन अगर आप इस फाइल में कुछ भी काम करते हो और इस फाइल को दोबारा इन चेंजेस के साथ सेव करना चाहते हो तो आपको सिर्फ कंट्रोल एस प्रेस करना है आप, या फिर आप फाइल मेन्यू पे जाके सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अब आपसे वो लोकेशन नहीं मांगेगा, जैसे कि पहले आपसे वो लोकेशन पूछ रहा था कि आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हो, तो अब आप सीधे कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, बस आपको फाइल सेव हो जाएगी जो भी आपने चेंजेस किए होंगे। या अगर आप चाहते हो कि मैं इसको अदर लोकेशन पर सेव करना चाहता हूँ या एक अलग नाम से इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आप सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाना है आपको सेव एज ऑप्शन में, यहाँ से आप जो भी लोकेशन लोगे, चाहे आप यहाँ से लेना चाहो यहाँ से ले सकते हो, या फिर आप ब्राउज में सर्च कर सकते हो कोई भी लोकेशन को। जैसे मैं इसको ई ड्राइव में सेव करना चाहता हूँ और फाइल 2 के नाम से, तो इसने आपने सेव किया। अब वो दोनों फाइल आपको दिखाई देंगी, माय फाइल 2 भी और माय फाइल भी, तो दोनों आपको दिखाई दे रही है, ई ड्राइव में है और ये आपकी डी ड्राइव में है। तो दोनों फाइल आपकी डिफरेंट डिफरेंट नेम से, आप यहाँ पे एक ही फाइल को आप डिफरेंट नेम के साथ यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। किसी अदर लोकेशन पे सेव करना हो आप अदर लोकेशन पे भी सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। सेव एज ऑप्शन की शॉर्टकट की आप F12 का भी यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड से आप F12 प्रेस करेंगे तो सीधे आप सेव एज ऑप्शन की स्क्रीन पर आ जाओगी। आप इस फाइल को आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप इस फाइल को जीमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू इस फाइल को सेव करके आप इस सीधे यहीं से सेव शेयर कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ शेयर करना चाहते हो तो आप यहाँ शेयर बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपसे इस फाइल को ऑनलाइन लोकेशन पे सेव करना होगा, यानी वन ड्राइव अकाउंट पे आप इसको क्लाउड पे सेव करेंगे। जैसे मैं इसको सेव कर रहा हूँ वन ड्राइव अकाउंट में डॉक्यूमेंट्स के अंदर। आप इस फाइल को जिस नेम से आपको सेव करना है आप इसको सेव कर सकते हो। अगर आपके पास वन ड्राइव अकाउंट नहीं है तो आप वन ड्राइव जाकर अकाउंट बना लें और वहां पे आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं। और आप किसी के साथ शेयर करना चाहो तो आप उसका मेल यहाँ पे डाल के उसको शेयर भी कर सकते हो और उसके लिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन भी डाल सकते हो, जैसे कि उसको सिर्फ व्यू कराना है आपको फाइल को, एडिट नहीं कराना है तो आप ये लेंगे, या फिर आप उसको एडिट के लिए देना चाहते हो कि वो एडिट कर सके तो कैन एडिट लेंगे। कोई इंक्लूड मैसेज यहाँ पे देना है तो आप ऑप्शनल दे सकते हैं। और यहाँ पे डेटा शेयरिंग लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है शेयर करने के लिए। जैसे अगर एडिटेबल फाइल यहाँ पे शेयर करनी है तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको एक लिंक जनरेट हो जाएगा। इस लिंक को कॉपी करके आप व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी शेयरिंग यूटिलिटी के थ्रू आप इसको शेयर कर सकते हो उसके साथ, और ये उस फाइल को वो ओपन करेगा तो इसको एडिट कर पाएगा। इसी तरीके से आप सिर्फ व्यू ओनली यानी व्यू करने के लिए इस फाइल को शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक अदर लिंक जनरेट होगा, जिससे आप इस फाइल को सिर्फ उसको रिव्यू करा पाओगे बट वो इसको एडिट नहीं कर पाएगा। तो आई होप इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना और डॉक्यूमेंट ओपन करना और साथ के साथ सेव एंड शेयर ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हैं पॉइंट टू पॉइंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।